नमस्कार दोस्तों, आ जाओ। आज बताने वाले हैं कि आप थोड़े से पैसों से ऐसा ही सुंदर लोन अपने घर पर अपने हाथों से कैसे बना सकते हैं। आपने कई बार पूछा है, तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। बहुत थोड़ा पैसा लगेगा और इतना सुंदर लोन आपका तैयार होगा कि आप भी कहेंगे मज़ा आ गया। तो चलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी वाला बटन भैया दबा दीजिए, वरना आपको हमारी और वीडियो देखने को नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, लोन बनाने की शुरुआत होगी ग्राउंड के चुनाव से। जितनी जगह में आपको लोन बनाना है, आप अपनी जगह का चुनाव कर लीजिए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी जगह आपने चुनी है उसमें किसी तरह के खरपतवार नहीं होने चाहिए। इस समय आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, जड़ समेत उन्हें निकाल लीजिए, क्योंकि बाद में ये काफ़ी परेशान करते हैं। इसके अलावा आपके ग्राउंड में कोई भी नुकीली चीज़ जैसे कंकड़, पत्थर, ईंट आदि नहीं होनी चाहिए। सूखी लकड़ी भी नहीं होनी चाहिए। इस समय आप जितना अच्छा ग्राउंड बना लेंगे, जितना अच्छा आप अपना जो है पैड बना लेंगे, ये बाद में उतना ही बेहतर लोन बनकर निकलेगा। तो आपने उसमें से खरपतवार निकाल दिए, अब आपको अपने ग्राउंड का धार बना लेना है, समतल कर लेना है, और एक तरफ पानी निकालने के लिए थोड़ा सा धार बनाइए। तो इस समय थोड़ी सी गुड़ाई कीजिए, मिट्टी को भुरभुरा बनाइए, और उसमें जो अन्य अशुद्धियाँ हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया कंकड़ वगैरह, उन्हें आपको निकाल कर बाहर फेंक देना है। तो ये प्रक्रिया आप एक दिन, दो दिन या तीन दिन में अच्छे तरीके से धीरे धीरे पूरी कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर लोन पहले से तैयार है। मैं तो केवल आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो आपने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है और पूरा समतल कर लिया है। एक तरफ हमने थोड़ा सा झुकाव रखा है जहाँ पर पानी निकल जाए। लॉन को बनाने के लिए घास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे बीज से भी उगाया जा सकता है और घास से भी हम लॉन तैयार कर सकते हैं। देखिए, घास कई तरीके की होती है। बड़े ग्राउंड के लिए सस्पेंशन या अमेरिकन, और छोटे ग्राउंड के लिए कोरियन बहुत अच्छी घास है। प्राइस की बात की जाए तो 2 रुपये वर्ग फिट से लेकर 20 रुपये वर्ग फिट तक अलग अलग जगह के हिसाब से इनके प्राइस हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप अपने किसी दोस्त से या किसी पार्क में किसी माली से इस तरीके से घास के 2-3 गट्ठर निकलवा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20-50 रुपये वो लेंगे और आपको आपके काम लायक घास मिल जाएगी। तो हमें घास निकालते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें जो जड़ें हैं वो ना कटने पाएँ, क्योंकि जब हम अपने लॉन में इन्हें लगाएंगे तो जड़ होना बहुत ज़रूरी है, वरना घास जो है ग्रोथ नहीं करेगी। तो हमने घास ले ली है और अब इसे लॉन में लगाएंगे। तो लॉन में लगाने से पहले आपको क्या करना है कि इस ग्राउंड में आप चाहें तो थोड़ा सा DAP डाल दीजिए। अगर 500 वर्ग फिट जगह है तो 1 kg जो है DAP काफ़ी रहेगा। अगर थोड़ी जगह है तो उसी हिसाब से आपको DAP के दाने इसमें डाल देने हैं। अब जो हम घास लेकर आए हैं उसके इस छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, पार्ट आपको इसी तरीके से तैयार करके रख लेने हैं और यही पार्ट अब हमारे लिए लॉन तैयार करेंगे। तो मैंने घास के ऐसे ऐसे छोटे छोटे बंडल बना लेने हैं, और बंडल बनाने के बाद मिट्टी में लगभग 2 इंच गहराई में जड़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये देखिए, ऐसे आपको गाड़ कर और दबा देनी है। जो लॉन तैयार किए जाते हैं वो इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि बीज कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि अच्छे मिलें। नकली बीज ज़्यादा मिलते हैं, काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। लॉन बनाने के लिए घास का ये तरीका सबसे बेहतर तरीका होता है। ये सस्ता भी होता है और काफ़ी तेज़ी से काम भी करता है। घास से घास की दूरी आपको लगभग 4 इंच रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं, 4 इंच ही रखिए, क्योंकि जल्दी कवर हो जाएगी जगह तो लॉन बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। हमने एक लकीर खींची हुई है जिससे हम थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं कि ये सीध में रहे। तो पहली लाइन हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब हमें ध्यान रखना है कि जब हम दूसरी घास लगाएंगे तो पहली जो 2 घास लगी है उनके बीच में कोशिश करें इसे लगाने की। ये देखिए, मैं इसे बीच में लगाने की कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है लॉन की वो पूरी कवर हो जाएगी घास से। ये नहीं है कि बीच में, यानी एक सीध में घास नहीं लगानी है, इधर उधर थोड़ा सा डिस्टेंस में, जिससे आपका पूरा ग्राउंड कवर हो जाए।
यहाँ बस यही ध्यान रखना है कि जो घास आप ले रहे हैं इसकी जड़ें मिट्टी में अच्छे तरीके से दब जानी चाहिए। अगर थोड़ी भी पोल रही तो आपकी घास जो है ख़राब हो जाएगी। तो बस थोड़े से समय में मैंने ये देखिए अपनी घास लगा ली है और हमारा एक छोटा सा लॉन तैयार है घास लगने के बाद। अब हमें वाटरिंग करनी है। तो वाटरिंग करने के लिए दो चीज़ें ध्यान रखिए कि पहले तो एक साथ पानी नहीं देना है, हल्की हल्की इस तरीके से छिड़काव कर लीजिए और उसके बाद इसमें भरपूर पानी दीजिए। अगर गर्मी का मौसम है तो भरपूर पानी प्रतिदिन देना है, बरसात में कोई ज़रूरत नहीं है पानी देने की अगर बारिश हो रही है तो, और सर्दियों में आप दो तीन दिन का अंतर कर दीजिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। पानी देने के बाद धूप ज़रूरी है, तो अगर धूप निकलती रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर धूप नहीं निकल रही है तो वाटरिंग कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। तो दोस्तों ये छोटा सा सिंपल सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है और इसी तरीके से जो है आप अपने घर पर अपने लिए एक सुंदर लॉन तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे पर। और इसके बाद ये लगभग 6 महीने लेगी क्योंकि ये कोरियन घास है, थोड़ी स्लोली ग्रोथ करती है, काफ़ी हैवी ग्रोथ है लेकिन स्लो करती है। और आप चाहें तो आप जो है सस्पेंशन लगा सकते हैं, वो जल्दी ग्रोथ करेगी। पानी दे दिया है मैंने अच्छे तरीके से और एक सप्ताह का मैं छोटा सा अपडेट दिए देता हूँ क्योंकि अभी इसमें समय लगेगा। ये लीजिए एक सप्ताह बाद हमारी घास ने जो है मिट्टी में अपनी जड़ें जमा दी हैं और थोड़ी थोड़ी ग्रोथ अब इसमें जो है आपको दिख रही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो भाई इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो। धन्यवाद।